न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टीचर के खौफ से बच्चे का हुआ ये हाल। अर्जुन कपूर के सामने जानवी ने किया ईशान और अपने रिश्ते का खुलासा। सोनिया और राहुल ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। एक ट्यूटर ने बच्चे के साथ की मारपीट। मामला अलीगढ़ के टीकाराम कॉलोनी का है। इस बेरहम टीचर ने बच्चे को चप्पल से मारा, चाबी से मारा, बाल पकड़कर खींचा और इतने से भी मन नहीं भरा तो उसकी उंगली में काट लिया। महज 7 साल के बच्चे के साथ इतनी हैवानियत। बच्चे को रोज पीटने के साथ ये टीचर उससे धमकाता भी था। सीसीटीवी कैमरे से हुआ खुलासा। माता पिता का बुरा हाल। दूसरे में पढ़ने वाले अपने बेटे के साथ जल्लाद टीचर की हरकत देख कर उनके आंसू छलक गए। वीडियो वायरल। टीवी का सबसे कंट्रोवर्शियल शो कॉफी विद करण इन दिनों चर्चाओं में है। कल सैफ अली खान और सारा अली खान के साथ कॉफी पीने के बाद अब शो का नया प्रोमो सामने आया। उनकी बहन जानवी कपूर एक साथ नजर आए। 46 सेकंड के इस छोटे से वीडियो में करण जौहर जानवी से पूछते नजर आ रहे हैं कि क्या वो ईशान खट्टर को डेट कर सकती है, तो इस पर जानवी मुस्कुराते हुए कही कि नहीं। आज देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने उनकी 101वीं जयंती पर शक्ति स्थल जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी, गुलाम नबी आजाद, अजय मानक सहित कई कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।